शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हां, कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची से। कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची जो जारी की गई है उसमें फेरबदल हो गया है। फेरबदल हुआ है, कन्हैया कुमार का नाम हटा दिया गया। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। अपने दर्शकों को बता दूं, कन्हैया कुमार का नाम हटाया गया और हार्दिक पटेल की एंट्री की गई है। अचानक कन्हैया कुमार का जो नाम हटाया गया, क्यों हटाया गया, इसके पीछे की वजह क्या है, ये दरअसल समझिए। दरअसल ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर फूंक फूंक के कदम रखने की कोशिश कर रही है, और कहावत है भी कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है। ऐसे में ये माना जा रहा है और देखा जा रहा है कि कांग्रेस किसी तरह की गलती नहीं करना चाहती। हालांकि उत्तर प्रदेश में कन्हैया कुमार का जो है, कन्हैया कुमार की रैली होती नजर आएगी, कन्हैया कुमार प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, लेकिन स्टार प्रचारक की सूची में उन्हें ना शामिल करना, इसके पीछे कांग्रेस की एक बड़ी वजह देखी जा रही है। अपने दर्शकों को यहाँ पर एक खबर और बता दूं, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, जिन्हें स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया था, उन्हें भी स्टार प्रचारक की सूची से बाहर कर दिया गया है। वो भी बाहर हो गए, क्यों, क्योंकि इसके पीछे की राजनीतिक स्थिति देखी जा रही है। यानी कि मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत सोच समझकर रणनीति बना रही है, और कांग्रेस जो रणनीति बना रही है इसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलना तय है। अब देखना यह होगा कि कन्हैया कुमार को स्टार प्रचारक की सूची से बाहर तो किया गया है, लेकिन आखिरकार क्या बड़ा कदम कन्हैया कुमार पर प्रियंका खेलने वाली है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।